तो गाइस आप देख ही सकते हो मैं कितना अमीर हूँ माइनक्राफ्ट में। और भाई मैंने डायमंड्स भी पहन रखे हैं और मेरे हाथ में भी डायमंड है और मेरा घर भी डायमंड का है। मैं खाना भी डायमंड का खाता हूँ और भाई हकता भी डायमंड ही हूँ। मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि बिल गेट्स भी मेरे पास भाई आता है और मुझसे भीख मांग के जाते हैं। और भाई माइनक्राफ्ट में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि मैं अपने पैसे और डायमंड से खरीद ना सकूं। गाइस जॉब बहुत हो गए और आपको पता चल ही गया होगा कि भाई मैं हूँ क्रिएटिव मोड में। और भाई मेरे पास सच बता दो सर्वाइवल मोड में गोल्ड भी नहीं है। मैं इतना गरीब इंटेंडेड हूँ कि भाई मुझसे भाई कोई भी गरीब नहीं है, मतलब माइनक्राफ्ट में यार। और भाई आज हम कुछ टिकटॉक मैजिकली हैक्स यूज करने वाले हैं, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो भाई चलो वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही कि भाई पानी का इन्फिनिटी सोर्स बनाने के लिए हमें पहले 4 ब्लॉक तोड़ने पड़ते थे और उसमें पानी डालना था, मतलब पूरा का पूरा, और हम जितना चाहे उतना पानी उसमें से निकाल सकते थे। गाइस मैं पूरा भरना भूल गया था, तो भाई हमने यहाँ पे पूरा भर दिया है और हम जितना चाहे आप उतना पानी निकाल सकते हैं। आप देख ही सकते मैं पानी निकाल के दिखाता हूँ। तो भाई ये हमारा पानी फिनिश नहीं हो रहा, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे नया टाइप का भाई पानी का नल बनाने वाले हैं। नल तो नहीं कह सकते, पानी का कुआ ही मान लीजिए। भाई यहाँ पे हमें 2 ब्लॉक रखने और सामने स्टिकी पिस्टन लगा देनी है और यहाँ पे हमें यार कोल्ड्रॉन लगा देना है फाइनली। और इसके ऊपर हमें भाई पहले मैं अब डेकोरेशन कर लिया, तो आप मैं जैसे लगा रहा हूँ वैसे ही लगाना है आपको। तो भाई यहाँ पे स्टेयर्स नहीं लग रहे यार, अब लगाना पड़ेगा आई थिंक। नहीं रुको रुको गाइस मैं लगा के देखता हूँ भाई। ओके गाइस फाइनली लग गए यहाँ पे स्टेयर्स। और भाई हमें यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च लगा देनी पड़ेगी जिससे भाई अपनी पिस्टन स्टार्ट हो जाए और आगे आ जाए। फिर हमें यार इसको ढक देना है, मतलब आपको जैसा अच्छा लगे वैसी डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको बेसिक सा काम अपना पूरा हो गया है और यहाँ पे अब मतलब थोड़ा ही काम बाकी है। तो भाई फाइनली हमने यहाँ पे ढक दिया है, यहाँ पे हम पानी डाल देंगे, जितना जाए उतना पानी डाल देना है। और भाई यहाँ पे आप सिंपल सा बटन रख देंगे और ऐसे दबाते अंदर चले जाएगा। गाइस हमने रेडस्टोन उल्टी लगाई थी, हमें यार इस ब्लॉक पे लगानी है जिससे भाई बटन काम करे। और भाई अब हमारा बटन काम करने लगेगा, तो भाई हमारा पानी अब बाहर निकलेगा। बटन जैसे दबाए वैसे ही पानी भर के आ जाएगा, आप देख ही सकते हैं। जितना चाहे उतना आप पानी भी भर सकते हो और वो भी एक ही बाल्टी में से पानी निकल रहा है। मतलब वो जो पहले का सोर्स था उसमें 4 बाल्टी पानी चाहिए था हमको, पर यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही बाल्टी पानी चाहिए होगा। और भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है वो तो अलग से, आप देख ही सकते हैं भाई बहुत ही मस्त है ये सोर्स। और भाई जितना चाहे उतना पानी आप ले सकते हैं, आप देख ही सकते हैं। और ये कमी भी नहीं होने वाले, सर्वाइवर मोड में भी बनाना बहुत ही इजी है। तो भाई मुर्गी तुझे भी पानी पीना है क्या? मुर्गी तो हमारी बेइज्जती करके चली गई। तो भाई हम यहाँ पे न्यू टिकटॉक एक बनाने वाले हैं, तो आप तैयार है गाइस? यहाँ पे हम पहले तो यार एक खड्डा खोद लेंगे और भाई हमें ज़रूरत होगी आई थिंक डिस्पेंसर की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पे सर्च मार लेता हूँ भाई, डिस्पेंसर मिल जा जल्दी। ओके भाई डिस्पेंसर मिल गया है गाइस हमें, और यहाँ पे हम डिस्पेंसर ले लेते और ऊपर की तरफ मुंह रख के इसको लगा देंगे। और इसके ऊपर भी हमें एक डिस्पेंसर लगाना है। तो आपको ये नहीं पता होगा कि ऐसे इसके ऊपर कैसे लगाए, तो भाई नीचे बैठ कर लगा देना है जिससे भाई ये लग जाएगा और डिस्पेंसर ओपन नहीं होगा। वरना भाई आप खड़े होकर लगाने जाएंगे तो डिस्पेंसर के अंदर चले जाएंगे, मतलब वो ओपन हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं अभी मैं डिस्पेंसर के अंदर चला गया, वैसे ही आप अंदर चले जाएंगे और ऊपर भी नहीं लगने वाला डिस्पेंसर। तो आपको नीचे बैठ के भाई डिस्पेंसर लगाने जाए जिससे भाई कोई भी गलती नहीं होगी। और यहाँ पे हम भाई ऊपर भी हमें एक डिस्पेंसर चाहिए जिसका मुंह नीचे की तरफ है, वो हम मैं जल्दी से मतलब लगा देता हूँ भाई। ओके फाइनली यहाँ पे हमारा डिस्पेंसर लग गया। और भाई हमें अब यहाँ पे बटन भी लगाना है जिसे भी हम नीचे बैठकर लगा देंगे। और भाई हमें रेडस्टोन भी चाहिए जिससे भाई डिस्पेंसर हमारे सारे के सारे डिस्पेंसर काम करने लगे। तो भाई यहाँ पे मैं नीचे वाले पर रेडस्टोन लगा देता हूँ और भाई हमारा ये बेसिक सा भाई काम खत्म हो गया। और यहाँ पे हम फाइनली अपना आर्मर रख देते हैं, मतलब डायमंड का ही लेता हूँ। आपको जो पसंद है वो आर्मर ले सकते हैं यार, नेदर पैंट ले लिया मैंने, चलो कोई नहीं, पहले जूते भी ले लेता हूँ और डायमंड का भाई पैंट भी ले लेता हूँ। ओके फाइनली हमें यार धीरे धीरे में ऊपर हमें हेलमेट, नीचे मतलब बीच में चेस्ट और नीचे वाला डिस्पेंसर में भाई हमें पैंट रख देना है। और भाई ये अब मैं दिखाता हूँ कि भाई कैसे काम करता है। फाइनली हमें यहाँ पे जाके खड़े रहना है, नीचे वाले में भाई बूट्स नहीं रखने, मतलब बूट्स नहीं रख सकते हम, रेडस्टोन आ गया, तो हमें यहाँ पे नीचे खड़े रहना है और ये बटन दबा देना है। तो भाई देख सकते हैं हमारा मैजिक काम कर गया है।
तो गाइस आप देख ही सकते हैं हमारा एक बहुत ही मस्त तरीके से काम कर गया है। और भाई हमारे यार ऑटोमेटिक आर्मर और सारी की चीजें पहना दी गई है। आप देख ही सकते हैं बहुत ही मस्त तरीके से काम कर रहा है। आप चाहे तो अपने सर्वाइवल मोड में भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो गाइज इस वाले हैक को करने से पहले मुझे दीवार बनानी पड़ेगी। और भाई हमारा हैक तैयार होने ही वाला है और यहाँ पे हमारा हैक तैयार हो गया है। नहीं गाइज अभी तक हमारा हैक तैयार नहीं हुआ, मैं मजाक कर रहा था। तो भाई यहाँ पे मुझे फाइनली ये दो स्टेप भी लगाने पड़ेंगे। तो भाई आप देख ही सकते हैं कोई भी ब्लॉक यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें और वाइट शल्कर बॉक्स चाहिए। तो भाई हमें पास में आके उसे टच करना है और फाइनली कैंसिल पे दबा के भाई पीछे जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं हम दीवार के आर पर जा सकते हैं। गाइज ये वाला हैक तो भाई आप में से मतलब 10% को ही पता होगा। तो भाई आप देख ही सकते हैं मैं फिर से दिखा, तो पास में जाके आपको कैंसिल देना है और भाई आप दीवार के आर पार से रह जाते हैं, मतलब इनविजिबल मैन ही बन जाते हैं। और भाई मिस्टर इंडिया भी बन सकते हैं, आपको जो भी चाहे वो बन सकते हैं हीरो में से। तो भाई आपको एक देख के बहुत ही मज़ा आया होगा। तो भाई मैं ऊपर से नीचे जाके देखता हूँ कि भाई हम नीचे जा सकते हैं या नहीं, ट्राई करते हैं भाई हमें ट्राई करने में क्या जाता है। तो भाई फिलहाल तो मैं यहाँ पे खोद देता हूँ जिससे भाई नीचे भी जगह बन जाए, या नीचे भी जगह बनानी पड़ेगी, हम जितने खड़े हो सके उतनी जगह बना लेता हूँ। अब भाई विलेजर यहाँ से निकल जा भाई। तो भाई यहाँ पे मैं बॉक्स लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हम नीचे जा सकते हैं या नहीं। ओके यार, पर नीचे का तो ऑप्शन ही नहीं, उड़ के ही जाना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है भाई नीचे गिर गया गड्ढे में यार। चलो मैं उड़ के जाता हूँ और देखता हूँ कि भाई अंदर घुस सकता हूँ या नहीं। तो भाई अब मैं ट्राई करता हूँ, ओके कैंसिल देता हूँ। और भाई नीचे यार ये तो उस साइड लगा है, मतलब इसका मुंह सामने की तरफ है, नीचे की तरफ मुंह लगा के करना पड़ेगा भाई। ये बहुत ही देर लगेगी, मैं ये नहीं कर रहा, आप खुद ही ट्राई मान लेना। मुझे तो लगता है भाई नीचे भी जा सकते। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दो। और भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम बहुत ही करीब है 700 सब्सक्राइबर के, तो भाई जल्दी से कर दो। और आई होप आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहेंगे। तो भाई थैंक यू। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय।